केशव प्रसाद मौर्य का हुआ बुरा हाल। डिप्टी सीएम को महिलाओं ने दौड़ाया। यूपी में बीजेपी का निकलना मुश्किल है। ये तस्वीरें यूपी के सिराथू से आई हैं, वही सिराथू जहां से केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तो चुनाव हुए भी नहीं, अभी तो वोट डाले भी नहीं गए, अभी तो बस मौर्य साहब ने वहां से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन अभी से उनके खिलाफ जबरदस्त माहौल बनने लगा है। आलम ये कि मौर्य जी को देखकर लोग बवाल करने लगे हैं और मौर्य जी उल्टे पांव भाग खड़े हुए। दरअसल सिराथू से आया एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ महिलाएं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विरोध करती हैं और उनके खिलाफ नारेबाजी करती दिख रही हैं। वीडियो में महिलाओं की नारेबाजी के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपनी गाड़ी में बैठकर लौटते दिख रहे हैं। मामला ये था कि सिराथू में जिला पंचायत सदस्य के पति राजेश मौर्य पिछले 2-3 दिनों से गायब हैं। फिलहाल उनका पता नहीं चल पाया है। जिला पंचायत सदस्य के गायब होने की खबर के बाद केशव प्रसाद मौर्य उनके घर पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रही महिलाएं धरना दे रही थी। डिप्टी सीएम को देख महिलाएं नारेबाजी करने लगी। इन महिलाओं ने यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था की दुहाई देने वाले योगी के सहयोगी मौर्य को हकीकत से रूबरू करा दिया। अब मौर्य का कहना है कि विपक्ष मेरे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है, लेकिन हकीकत क्या है ये आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा लीजिए। इस वाक्य के बाद मौर्य को सिराथू सीट से चुनाव लड़ने में डर भी लग रहा होगा, क्योंकि अगर सिराथू की जनता यूं ही उनका विरोध करती रही तो वो ना ही चुनाव प्रचार कर पाएंगे और ना ही जीत पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।